नरेंद्र मोदी ने दिए प्रदेशवासियों को करोड़ों की सौगात। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को छत्तीसगढ़ को वर्चुअली 85,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम ने गुजरात के अहमदाबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बटन दबाकर छत्तीसगढ़ में रेलवे से जुड़ी 85,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन में 34 वन स्टेशन वन प्रोडक्ट एक स्टेशन एक उत्पादन स्टॉल लॉन्च की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद कमांड सेंटर से हरी झंडी दिखाकर 10 नई वंदे भारत रेल गाड़ियों को भी रवाना किया। इनके अलावा रेलवे स्टेशन में आयोजित लोकार्पण समारोह में प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंदन और सीएम विष्णुदेव साय, रायपुर सांसद सुनील सोनी, मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, राजेश मुनत और जिला और रेल प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। रायपुर रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 670 से अधिक रेलवे स्टेशनों और अन्य स्थानों से भी लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। पीएम मोदी ने इन परियोजनाओं का किया लोकार्पण। पहला, बिलासपुर में एक रेल कोच रेस्टोरेंट, बिलासपुर में वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो, दुर्ग कोचिंग डिपो, पेट लाइन का अपग्रेडेशन, भिलाई मेमू सेट का विस्तार, जांजगीर नैला पेंड्रा रोड में जन औषधि केंद्र का लोकार्पण। इनके अलावा अंबिकापुर में पेट लाइन का शिलान्यास भी किया। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल CG36 न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं ऐसी और अन्य जानकारियों के साथ नेक्स्ट अपडेट में।